दोस्तों, चुनावी नतीजों का माहौल देश भर में चल रहा है और जैसा कि आप खुद भी ये बात जानते होंगे कि पंजाब राज्य को छोड़कर बाकी चार राज्यों में अधिकतर सीटों पर बीजेपी की ही बढ़त दिख रही है और ऐसे में गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बार भी बीजेपी सरकार बनने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं, राइट। और चुनावी नतीजों के इतने गहरे रुझान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या प्लानिंग चल रही है, आइए जानते हैं। चुनावी नतीजों के बाद गुजरात में पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा, 4 लाख लोग इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुजरात में विशाल शक्ति प्रदर्शन के बाद चुनावी शंखनाद करेंगे। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पीएम मोदी अहमदाबाद में रोड शो करेंगे और इसके बाद भाजपा मुख्यालय में पार्टी के सभी संगठन के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो चुनावी रिजल्ट के बाद कुल मिलाकर 11 और 12 मार्च को पीएम मोदी का गुजरात दौरा रहेगा। एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और ये 2 साल बाद बीजेपी का सबसे बड़ा रोड शो होगा। तकरीबन 1.5 लाख जन प्रतिनिधियों को संबोधित किया जाएगा और सरकार का लक्ष्य है कि 150 से ज्यादा सीटों को जीता जाए। वहीं मोदी की भविष्यवाणियां देखा जाए तो कहीं न कहीं साबित हुई। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने कई बार इस बात का जिक्र किया था, समर्थकों से भी ये बात की बड़ी अपील की थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही बढ़त और बहुमत के साथ जीतेगी और अभी चुनावी के नतीजों के आसार और रुझान भी बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहे हैं। अब तक के रुझानों के मुताबिक भाजपा को उत्तर प्रदेश में 270 से ज्यादा सीटें मिल सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी 100 से 125 सीटों तक सिमटते हुए दिख रही है। जानकारी के लिए बता दूं, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा गठबंधन क्लीन स्वीप की ओर दिख रही है। यूपी इलेक्शन रिजल्ट पर अपडेट आ रहा, कार्यकर्ताओं ने जश्न भी शुरू कर दिया, इसके कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि चुनाव आयोग ने पहले तो चुनाव के रिजल्ट पर जश्न मनाने के लिए मना कर रखा था, लेकिन अभी अभी का जो ताजा न्यूज अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक जीत के बाद अब विजय जुलूस निकाला जा सकेगा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मतगणना के दौरान और बाद में विजय जुलूस निकालने से संबंधित दिशा निर्देशों में राहत दी गई और विजय जुलूस निकालने पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया जाए। तो अब कुल मिलाकर के इन 5 राज्यों में विजय जुलूस निकाला जा सकेगा। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम फाइनल अंतिम रिजल्ट जो है वो शाम तक आ जाएंगे, जहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में भाजपा जीत की ओर अग्रसर दिख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। गोवा का मामला फिलहाल असमंजस भरा चल रहा। इस बीच खबर ये भी है कि निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद विजय जुलूस पर लगी रोक को हटा दिया और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में आज भी जीत का जश्न आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उम्मीद है दोस्तों कि इस संबोधन में पीएम मोदी जीत के जश्न के साथ देशवासियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, जो चुनाव के मैनिफेस्टो से संबंधित भी हो सकते हैं, जिसमें पहले किस घोषणा को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जनता को पहले किस बड़ी योजना का फायदा दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज जीत के जश्न के साथ आम जनता को भी कुछ बड़े तोहफे मिल सकते हैं। तो देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और जो भी बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान आएंगे, मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से तुरंत बता दूंगा। देखिए, आप वाराणसी में जहां पीएम मोदी ने चाय पी थी, पान खाया था, उन सीटों का क्या हाल चल रहा है? बीजेपी आगे या कोई और पार्टी टक्कर दे रही है? यूपी इलेक्शन रिजल्ट पर ये भी अपडेट मैं आपको बता दूं कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसलिए हर किसी की निगाह यहां की 8 विधानसभा सीटों के नतीजों पर टिकी हुई है। आपको बता दूं, अभी तक के रुझान के मुताबिक 8 में से बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है, क्योंकि ये तो बीजेपी का गढ़ है, ठिकाना है, पीएम मोदी का खुद का संसदीय क्षेत्र भी है, तो यहां पर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद सभी को है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े सिराथू में सपा उम्मीदवार 10% वोटों से आगे चल रही है। यूपी इलेक्शन रिजल्ट पर ये भी अपडेट है। और भी पल पल के लाइव इलेक्शन न्यूज अपडेट्स अपने मोबाइल पर तुरंत पाने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाए रखिएगा, ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस न्यूज से अपडेट रह पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आपके क्या राय है दोस्तों इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।